आ रहा था कौसा से आ रहा था स्टेशन पे जा रहा था तीन सीट लेके, तो उधर पे मेरे को साहब ने रुका है, लाइसेंस मांगे, मैंने लाइसेंस दिया तो बोले 200 का फाइन लग गया, तो बोले 200 रुपया ले लो सर फाइन मार लो। उसके में उनने उज्जत मारी करे डायरेक्ट मेरे को चमाट मार दी, इधर गाड़ी जमा कर दी नोटिस, और बोले गाड़ी स्क्रेप हो जाएगी, कट जाएगी, ऐसी हो जाएगी। गाड़ी का लाइसेंस भी दिया, लाइसेंस मांगे तो लाइसेंस भी दिया मैंने, लाइसेंस भी ले लिए और एक चमाट भी मार दी, गाड़ी भी जमा कर दी। जो लड़ रहा था सर उसका कौन सी यूनियन का लीडर? कौन क्या नीटच बोलतोय मी मराठा आहे, नीटच बोलतोय शिस्तीत बोल, तुमच्या माणसाला तुम्ही मारून शिस्तीत बोल, मी का दादागिरी दाखवतो मला, हा दादागिरी दाखवतो साहेब समजवायला साहेब पण विषय कसा आहे त्याला आमच्या ड्रायव्हरला मारला का? राईट राईट कार्रवाई चल रही रिक्शा के ऊपर, ओवरशीट का विदाउट लाइसेंस विदाउट बैच का, और कार्रवाई चलते टाइम हमारे पास वो एक रिक्शा वाला उधर चिल्ला रहा था कि गाड़ी जमा मत करो, गाड़ी जमा मत करो। एक रिक्शा है MH03BN9359, वो घाटकोपर का रिक्शा है, घाटकोपर का परमिट है, और उसके परमिट के ऊपर वो मुमरा में चला रहा है गाड़ी, तो उसको हमारे लोगों ने रोका है, उसके ऊपर कार्रवाई नोटिस दिया है, उसके पास लाइसेंस नहीं, बैच नहीं है, और वो इधर गाड़ी चला रहे चार्जशीट भर के, हमारे सामने वो चार लोगों का 10-10 रुपए लेके लोग चले गए, और हमने उसका रिक्शा जमा किया है, और वो चिल्लाने लगा पुलिस ने मारा, पुलिस ने मारा, ऐसा चिल्ला रहा है वो भोकट में, गाड़ी जमा हुआ इसलिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारा कार्रवाई हुआ है, गाड़ी जमा किया है। लीगल रिक्शा चल रही है उसके सबके ऊपर कार्रवाई होगी, समझो कल्याण परमिट का गाड़ी इधर चलता है वो ला के छोड़ सकता है, लेकिन वो इलीगल इधर चलेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो चल रही है, हम लोग सब जो जो रिक्शा जमा हो रही है उसके सब पेपर चेक कर रहे हैं, विदाउट परमिट की रिक्शा हम RTO के पास भेज रहे हैं, और बाकी मेरे हिसाब से तो 25% रिक्शा जो है वो गायब हो गई है, स्क्रैप वाली वगैरह जो आप बता रहे हैं इलीगल रिक्शा 25% गायब हुआ है सर। अभी गए 15 दिन में हमने करीबन 3,500 से ज़्यादा चालान बनाए हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे, बाइक रिक्शा विदाउट लाइसेंस के है, विदाउट बैच के है, ओवरशीट के है, और आप जो बोल रहे म्यूजिक का भी केस है, उसमें एक दो केस है, स्पीकर बजा रहे, सभी प्रकार की कार्रवाई है।
जारी रहेगी, हम लोग कार्रवाई आगे चालू रखेंगे। अभी तक तो नहीं है कुछ भी नहीं, उल्टा वो हमको सपोर्ट कर रहे कि अच्छी कार्रवाई करो, हमको सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग बोल रहे थे, लेकिन कार्रवाई थोड़ी कम पड़ रही थी। मेन हमारा प्रॉब्लम अभी शील फाटा, कल्याण फाटा थोड़ा हीवी ट्रैफिक रहता है, उसकी वजह से थोड़ा कार्रवाई में रुकावट आती थी, लेकिन उधर का ट्रैफिक फिलहाल नॉर्मल होता है तो हम ये कार्रवाई चालू रखते हैं। लेकिन मारपीट तो नहीं होती है, मारपीट बिल्कुल नहीं होती है। कार्रवाई करते टाइम कैसा है, अभी उसका रिक्शा चला जमा कर रहे तो अपने आप हंगामा करता है, वो मुझे मारा मुझे मारा, तो बाकी जो आने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं हाँ हाँ मारा मारा, वो गलत गलत बात बोलता रहता है। सब यूनियन वालों को हमने बताया है कि अपने अपने मेंबर्स को, रिक्शा वाले मेंबर्स को सबको बताओ कि बिना लाइसेंस विदाउट बैच गाड़ी मत चलाओ और ओवरशीट ना चलाओ, उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। सब यूनियन के बताया हमने, ठीक।